शांति। आज की तारीख है 7/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा, जो कि हमारे भाग्य विधाता हैं और भाग्य विधाता बाप के द्वारा हमारे भाग्य ऊंचे ते ऊंचे बन रहे हैं। तो भाग्य विधाता बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। प्रश्न है आज का, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी, सपूत बच्चों का लक्षण। अब हमें उत्तर के रूप में मीठे मीठे बाप दादा ने क्या कहा वो हम सुनेंगे। तो उत्तर है, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। तो मीठे मीठे बाबा ने उनके लक्षण बताए। अब हम अपने दिल दर्पण में देखें कि क्या हमारे सपूत बच्चे बनने के लक्षण हैं जैसे बाबा ने सुनाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। गीत बजा है आज, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी घटरी पाप की। ओम शांति। मीठे मीठे शिव भगवान वाच ब्रह्मा बाबा के द्वारा कि हर एक घर में माँ बाप और दो चार बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। अब वह तो हद की बात है, ये हद के लिए गाया हुआ है ये जो गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। तो बाबा कहते हैं हर एक घर में माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो बच्चे अपने माँ बाप से आशीर्वाद मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं वो हद की दुनिया की बात है, परंतु बेहद का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वो माता पिता होते हैं हद के, तो कहते हैं ले लो दुआएं हद के माता पिता की। अब ये तो है बेहद के माँ बाप, वो हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर उनको पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि ये है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर टीचर और सुप्रीम गुरु, सत बोलने वाला। हद का बाप और बेहद के बाप में क्या अंतर है वो बाबा बताते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाबा है सत बोलने वाला, फिर सत सिखलाने वाला। तो बच्चों में फिर नंबरवार होते हैं। लौकिक घर में दो चार बच्चे होते हैं तो उनों की कितनी संभाल करनी पड़ती है, और यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर्स से बच्चों के समाचार आते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, ये विघ्न डालता है। तो फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, प्रजापिता तो ये है ना। हाँ, शिव बाबा तो ज्ञान की मुरली सुनाने आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा को निमित्त बनाया है। तो प्रजा तो बाबा की ढेर है, बेहद के बच्चों का वो बाबा है। तो फिर
बच्चे जो कोई शैतानी करते, कोई तंग करते, कोई विघ्न डालते, तो उसकी चिंता तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को ही करनी पड़ती है। तो प्रजापिता तो ये है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो, इनको तो हजारों फुरने हैं। फुरना माना जवाबदारी की चिंता। एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। फिर माया भी तो बड़ी दुश्मन है ना, अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सब का विचार तो करना पड़ता है, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। बाबा सबकी जवाबदारी की चिंता भी करे, फुरना भी करे, और फिर बेहद बाप की याद में बाबा को रहना भी पड़े। तो तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चलकर क्यों न बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल न सके, क्योंकि ये राजाई स्थापन हो रही है और कोई की भी बुद्धि में ये बातें आ न सके। ये है बहुत ऊंच पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा है। बादशाही मिल गई फिर पता नहीं पड़ता है कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़े ही था कि हम क्या थे, फिर कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो कि बाबा आप तो वही हो, ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भले कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, लेकिन बाप कहते हैं ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तो तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सूत मूंझा हुआ रहता है, यानी धागा जैसे गांठ में गांठ पड़ जावे या उलझ जावे, तो ये सृष्टि के अंदर भी जैसे कि परिस्थितियों में सूत मूंझा हुआ है। सब आपस में लड़ते झगड़ते और मरते हैं। तैयारियां भी ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है कि लड़ाई शुरू हुई की हुई। अब दुनिया ये नहीं जानती है कि ये क्या हो रहा है और क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, क्योंकि विनाश के पश्चात सभी अपने घर जाएंगे। तो घर जाने से पहले हमें अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना पड़े। तो बाबा कहते हैं हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, हरेक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो, किसके लिए? अपने लिए। बाबा कहते हैं जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को फिर पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है, अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना, अब ये भी तो किसी को पता नहीं
कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, ये सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप के पास सपूत बच्चे वो हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और बाप की दिल पर चढ़े हुए भी हैं। कोई तो फिर ना लायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिससर्विस करते, जो बाप से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। अब ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार बाबा कहते हैं कि ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं हैं, वो क्या करेंगे, जरूर औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है कि बाप को फॉलो करो और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो कि किसका संग करें, तो बाबा झट बता देंगे कि इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत हैं जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ता जाता है, गाया भी जाता है, संग तारे कुसंग बोड़े। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे, घर में भी तो दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत लेकर उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त में पद भ्रष्ट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। तो समझा जाता है कि ये पूरा पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद मिलेगा। तो बाबा बच्चों का देखते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो तो पद पाएंगे, परंतु जो पूरा पढ़ते नहीं हैं तो उनके लिए समझा जाता है कि ये क्या पद पाएंगे, इनको क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं कि हम सर्विस तो कुछ करते नहीं हैं और हमसे तो होशियार बहुत हैं, होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं, तो जरूर जो होशियार हैं वो ऊंच पद भी वही पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अब टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, क्योंकि रोज पढ़ाते हैं और रजिस्टर भी उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का हर विद्यार्थी का रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे है। इसमें फिर मुख्य है योग की बात, योग अच्छा है तो चलन अच्छी रहेगी। हाँ, सभी ने नोट किया होगा, एक तो रोज पढ़ाई करनी है और फिर बाबा कहते हैं योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी, और चलन का भी रजिस्टर रखना है, योग का भी चार्ट रखना है। बाबा कहते हैं पढ़ाई में फिर कहाँ कहाँ बच्चों को अहंकार भी आ जाता है, अब इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है याद की। इसलिए ही कईयों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में रह नहीं सकते। बाबा ने समझाया है कि योग अक्षर निकाल दो, बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है। बाबा कहते योग शब्द बोलने से बात बड़ी हो जाती है, परंतु यहाँ तो हम बच्चों को अपने पिता को याद करना है, तो बाबा को वंडर लगता है कि जिस बाप से हमको वर्षा मिलता है
उनको याद नहीं कर सकते हैं। तो बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, परंतु मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तो तुम मुझे याद करो। तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते हैं, कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफें सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, वो एक माशुक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर भी याद करेंगे। जरमुई झंगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है, इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। आगे बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास सच्चे माशुक के आशिक बनो। बाप कहते हैं, देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहें, तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, इसमें सारा ज्ञान है। सदर्शन चक्रधारी, तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो वो समझ न सके। अब ये तुम बच्चे ही समझते हो, और तुम्हारे में भी बाबा कहते हैं कि कोई अच्छी रीति याद करते हैं। बहुत हैं जो याद करते ही नहीं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। बाकी पढ़ाई तो बड़ी सहज है। तो बाप कहते हैं, साइलेंस से तुमको साइंस के ऊपर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि तो एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं कि हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो, शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड, जिस ब्रह्म मह तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है। वो सब आत्माओं का झाड़ तो जरूर वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी हैं कि भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर के बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पाठ बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं पर समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। किसने? ब्रह्मा बाबा, जब दादा लेखराज के रूप में थे तो इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं, ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु तो है ही एक। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र हैं। तो उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उनों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई ये पता थोड़े ही है कि ये कौन है और हम माथा क्यों टेकते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? ये है बड़ी गुह्य बातें। बाबा कहते हैं कि गीता आदि में थोड़े ये बातें हैं,
जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कि कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नुंधा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है, तो ये वंडर है ना। तो ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं कि बनी बनाई बन रही, अब नई बननी नाही। तो ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा, इसमें चिंता की तो कोई बात नहीं। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। हाँ, ध्यान से सभी सुने। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार। वापस तो वो आ नहीं सकते, आंसू आया माना नापास हुए। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। प्रतिज्ञा करने से धारणा करने में बल मिलता है। तो बाबा कहते हैं, परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते हैं, तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ ये राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, गीता में दिखाया है कि लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे, फिर वो कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और मर गए, बात ही नहीं ठहरती। अब ये सब है दंत कथाएं। बाबा कहते कुछ विवेकमान्य बात नहीं लगती, तो ये सब है दंत कथाएं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज से नफरत होती है ना, तो नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है, वहां फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत। बाप कहते हैं, अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे, और मनुष्य इन बातों से क्या जाने। बाबा कहते हैं कि भले विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी है न शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस शूद्र से देवता कैसे और कौन बनाते ये कुछ भी नहीं जानते। तो बाप कहते हैं, तुम देवी देवता कितने शाहूकार थे, फिर वो सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते टिप्पड़ घिसाते पैसा भी गंवाया। अब ये कल की बात है ना, तो तुमको ये बना करके गए, फिर तुम क्या बन गए हो। बाबा कहते हैं, जरा देखो अपने आप को, क्या थे और क्या बन गए हो। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर 1 है, जर मुई झंग मुई,
यानी परचिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशुक को याद करना है। नंबर दो है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। माताएं और कन्याएं और हम सभी टीचर्स बहनें ध्यान से ये बात सुन के नोट करेंगे। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं, जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है, अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। वरदान है आज का, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले अर्थात क्रोध न करने वाले निर्माण चित्त भव। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक तो जब कोई झूठी बात कहता है और झूठ कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी बाबा कहते हैं उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रत्यक्ष होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति।